जय श्री श्याम मित्रों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है शारदीय नवरात्रि 2024। जानेंगे आज के वीडियो में नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योगों के बारे में, जानेंगे पहले दिन रात्रि को करने वाला एक ऐसा उपाय जिसे करने से माँ होगी प्रसन्न। प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा के साथ करें रात को ये खास उपाय, और वो क्या उपाय है जानेंगे आज के वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे YouTube वीडियो के साथ में अंत तक, जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन करने वाला एक खास उपाय जिसे करने से मां भक्ति की मिलेगी आपको कृपा। प्रतिवर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि के व्रत प्रारंभ होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक रहेगा। दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर को रहेगी, नवमी 11 और 12 दोनों दिन रहेगी। दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। प्रतिपदा यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को माता शैलपुत्री की पूजा होगी। आइए जानते हैं इस दिन रात में ऐसा कौन सा उपाय है जिसे करने से माँ भगवती माँ शैलपुत्री आपको दे अपना आशीर्वाद। आइए जानें शारदीय नवरात्रि की रात को करें यह खास उपाय। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, नंगे पैर दुर्गा मंदिर में जाएं। मंदिर में दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता का मंत्र जप करें, ओम ह्रीं क्लीं क्ली चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री देवे नमः, या मंत्र ओम सैं शैलपुत्री देवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। पूजा पाठ के बाद माता को लाल रंग की सामग्री भेंट करना शुभ होता है। माता को भोग प्रतिपदा तिथि को माँ शैलपुत्री को नैवेद्य के रूप में गाय का घी अर्पित करके ब्राह्मण को दान कर दें। इसके साथ ही इन दिनों मखाने और सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करने तथा उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री की कृपा मिलती है। माता के चरणों में घर का सोना या चांदी की कोई भी शुभ वस्तु रखकर इसकी पूजा करेंगे तो घर में सुख समृद्धि और वृद्धि होगी। अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वास्तिक दिया, गरुड़ घंटी, चांदी के पात्र, कटोरी, कमल, श्री अंतर मुकुट, ओम श्री, हाथी, कलश, त्रिशूल आदि कुछ भी खरीद सकते हैं। इस दिन खरीदा हुआ शुभ होता है। मित्रों, ये थी कुछ खास जानकारी शारदीय नवरात्रि के दिन पहले दिन करने वाले कुछ उपायों की विशेष जानकारी। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो माँ भगवती माँ शैलपुत्री आपके घर पर रखेगी कृपा और देगी अपना आशीर्वाद। इसी तरह की और अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पर ज्योतिष को बड़े ही सरल भाषा में बताया और समझाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, जय श्री श्याम।